वेलकम टू एशियानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव ऐप डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब एक बार फिर से सबसे तगड़ा झटका लगने वाला है अभी और प्रज्ञा को, क्योंकि उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब होते हुए नजर आएंगी और तनु और अभी की शादी यानी सगाई हो जाएगी और उसके बाद में शादी की तैयारियां शुरू की जाने वाली है। दूसरी तरफ अब यहां पर अभी और प्रज्ञा के बीच में कुछ इमोशनल बातचीत भी होगी और उसके साथ साथ क्या प्रदीप सच में मर गया ये सुनकर आप भी यहां पर चौंकने वाले हैं। चलिए सारी बातें हम आपको बताते हैं कि आखिर में आने वाले एपिसोड में क्या खास देखने मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि बाकी सारी कोशिशों के बावजूद भी यहां पर अब पूरी तरह से एंगेजमेंट हो जाती है, तनु और उसके बाद में अभी की एंगेजमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल होती है और दूसरी तरफ अब यहाँ पर बेहोश पड़ा रहता है प्रदीप और प्रदीप को ढूंढने की कोशिश भी यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब होते हुए नजर नहीं आती, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर प्रज्ञा से काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए थोड़ा बहुत नाराज होते हुए नजर आएगा अभी और उन दोनों के बीच में कुछ इमोशनल बातचीत होगी। लेकिन चौंकाने वाली खबर तो ये है कि आखिर में तनु के पास में उसके दोस्त का और उसके साथी का कॉल आता है कि आखिर में वो इंसान तो मर गया जो कि यहाँ पर कार के डिग्गे में था, लेकिन आखिर में कौन मरा है, कौन है वो इंसान? वो कोई और नहीं बल्कि वेटर और या फिर हो सकता है यहाँ पर प्रदीप हो। अब आखिर में कौन है, उन दोनों में से आपको कौन लगता है कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए।